नमस्ते, आज हम बनाएंगे अचारी भिंडी। तो चलिए हम दिखाते हैं अचारी भिंडी कैसे बनाएंगे आपको। आज नए तरीके से बनाएंगे। मैंने भिंडी को पहले से ही काट लिया है, बस मैंने एक भिंडी रखा है आपके लिए दिखाने के लिए कैसे काटेंगे इसको। हमको ऐसे करके इसको काटना है ताकि दोनों तरफ से प्रॉपर मसाला लग जाए इसमें। ऐसे हम सारी भिंडियों को काट लेंगे। इसके बाद हमने एक लिया है बड़ा नींबू, इसे अच्छे से इसमें मिलाएंगे। अब भिंडी को हमने पहले ही धो के वॉश करके काटा था, लीजिए मिला दिया। मीडियम बेसन लेंगे और इसको चारों तरफ से इस पर फैला देंगे। इसको अच्छे से हाथ से मिला लेंगे। लहसुन प्याज की बनाएंगे ये सब्ज़ी हम। तो चलिए हम मसाला तैयार करते हैं। तो भिंडी की सब्ज़ी बनाने के लिए हम आधा चम्मच डालेंगे सरसों, मेरे पास पीली वाली थी मैंने पीली ली है, हाफ स्पून सौंफ, उनसे भी कम अजवाइन, स्पून जीरा, आधा चम्मच से भी कम मेथी दाना। अभी अच्छे से हम इसको सिर्फ हमें गरम करना है, बाकी फिर धनिया और हल्दी और मिर्ची बाद में हम डालेंगे। ज़्यादा देर नहीं करना, सिर्फ इसका रोस्ट करना है बिल्कुल। इसमें हम तेल डालेंगे। तेल मीडियम फ्लेम पे गरम हो गया है, अब हम इसमें सारी भिंडी डाल देंगे। ये बिल्कुल ही खिली खिली होगी क्योंकि हमने इसमें पहले से ही नींबू डाल दिया था। इसको थोड़ी देर हम घुमा घुमा के चला चला के इसको धीमी आंच पे ही मीडियम पे ही सेकेंगे। ये हमारी भिंडी कुछ इस तरीके से सूख गई है और मैंने मसाले को पीस लिया है। डन, चारों तरफ से घुमा घुमा के मसाला डाल देंगे सारा। धनिया पाउडर आधा चम्मच, लाल मिर्ची आधा चम्मच, हल्दी पाउडर आधा से भी कम, और इसको अच्छे से हम मिला लेंगे। ये भिंडी बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। अगर आपका मसाला तैयार करके रख लीजिए और फटाफट भिंडी काटिए या बना लीजिए। नमक स्वाद अनुसार डालेंगे इसमें हम, और तीखा ज़्यादा पसंद है इसमें हरी मिर्ची भी आप काट के डाल सकती हैं। भिंडी के साथ ही डाल दीजिए, फ्राई हो जाएगा। 10 से 15 मिनट में ये सब्जी बन के तैयार हो जाती है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। हमारी अचारी भिंडी बन के तैयार होगी और इसे रोटी, चपाती या पराठे से, किसी चीज़ से भी खाया जा सकता है इसको, दाल चावल से। और सब्ज़ी अच्छी लगी हो आपको तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में।